मुंबई से खबर मिल रही है, कैबिनेट बैठक में उद्धव सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश में हफ्ते के दो दिन संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। शनिवार और रविवार को कड़ा लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र के में जो कोरोना बढ़ा उसको देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने की बात कही है। लॉकडाउन लगाने की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इस बैठक में फैसला लिया गया, प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस बात की पुष्टि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में वीकेंड लॉकडाउन यानी दो दिन का लॉकडाउन लगेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। तो वहीं फिल्मों की शूटिंग नहीं रोकी जाएगी, लेकिन थिएटर बंद रहेंगे। रात को सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को शुरू रखा जाएगा। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। शनिवार और रविवार को कड़ा लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है। कोरोना कोहराम मचा रहा है, जिसको देखते हुए अब सरकार ने यह फैसला लिया है। संपूर्ण लॉकडाउन दो दिन का लगेगा और सख्ती से उस पर पालन किया जाएगा। तो इंटेलिया मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पता लगाया है कि पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद वाजे और उनके एक सहयोगी के संयुक्त बैंक खाते से 26,50,000 रुपए निकाले गए हैं। ये राशि 18 मार्च को निकाली गई है। एनआईए ने वाजे के सहयोगी का नाम नहीं लिया है। एनआईए ने कहा है कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित एक बैंक के लॉकर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले गए हैं। ये लॉकर वाजे और उनके एक सहयोग के संयुक्त नाम पर है और सहयोगी भी मामले में आरोपी है। जांच एजेंसी ने अदालत से कहा है कि जांच के दौरान उसे कई अहम सामग्रियां मिली हैं, जिनमें लैपटॉप, डीवीआर, क्षतिग्रस्त हालत में एक सीपीयू शामिल है और उनकी जांच करने की जरूरत है। इसके बाद विशेष अदालत ने वाजे की हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ा दी है। एनआईए कारोबारी मनसूख हिरन की मौत के मामले की भी जांच कर रही है। तो बता दें आपको, एंटेलिया मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पता लगाया है कि पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद वाजे और उनके एक सहयोगी के संयुक्त बैंक खाते से 26,50,000 रुपए निकाले गए हैं। ये राशि 18 मार्च को निकाली गई है। एनआईए वाजे के सहयोगी के नाम नहीं लिए हैं। एनआईए ने कहा है कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित एक बैंक के लॉकर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले गए हैं। उधर मुंबई की एक विशेष अदालत ने एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सस्पेंड एपीआई सचिन वाजे की कस्टडी 7 अप्रैल तक बढ़ा दी है। स्पेशल कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया है कि वाजे को हर तरह की मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट लाने से पहले एनआईए ने वाजे की मेडिकल जांच भी कराई। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि 7 अप्रैल को अगली पेशी के दौरान वो वाजे के स्वास्थ्य और उनकी बीमारियों पर डिटेल रिपोर्ट पेश करें। इससे पहले सचिन वाजे के वकील रौनक नायक ने अदालत को एक एप्लीकेशन लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि वाजे को सीने में दर्द के साथ साथ हार्ट में 90% के 2 ब्लॉकेज हैं। ऐसी हालत में वाजे को उनके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलवाया जाए ताकि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो सके। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के पदाधिकारी जमीर शेख की हत्या के आरोपी को लखनऊ के स्पेशल
टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान इरफान सोनू शेख मंसूरी के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद टास्क फोर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि 23 नवंबर 2020 को राबोडी में आरोपी ने जमील शेख की गोली मारकर हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना ग्राफ के कारण खून की भारी मात्रा में कमियां देखने को मिली है। पालघर के पुलिस अधिकारी दत्तात्रेय शिंदे ने आह्वान किया है कि साथ ही जिले के पालघर, बोईसर, डहाड़ू और जवाहर जैसे पुलिस स्टेशनों में रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 से अधिक रक्त के पैकेट जमा करने के निश्चित पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया, यहाँ पर जिसमें ज्यादा से ज्यादा पुलिस कर्मचारी, उनके परिवार वाले सहित आम जनता को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की गई। तो पुलिस अधिकारी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल कोरोना के मद्देनजर यहाँ पर रक्त की भारी कमी पड़ रही है और यही वजह है कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने रक्त को दान किया। नांदेड़ जिले के दिग्गज राजनेता गंगाधर राव देशमुख कुंटुरकर का इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर जिले के पालक मंत्री अशोक चौहान सहित कई लोगों ने शोक जताया। आपको बता दें कि गंगाधर राव नांदेड़ जिला परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा सदस्य, राज्य मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। गंगाधर राव ने कुछ साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी। तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोरोना संदर्भ में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाया है। संजय राउत ने कहा है कि उनकी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का बीजेपी नेतृत्व सिर्फ इस वजह से राज्य सरकार के कामों पर अनावश्यक टीका टिप्पणी कर रहा है क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है। राष्ट्रीय एकता और स्वास्थ्य संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कोरोना की वजह से अगर महाराष्ट्र लड़खड़ाया तो देश भी लड़खड़ाएगा, ये बात विपक्षी नेताओं को पता होना चाहिए। इस बीच उन्होंने संभावित लॉकडाउन के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री लॉकडाउन का निर्णय लेंगे तो ऐसा करने में उन्हें कोई खुशी नहीं होगी। आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए ऐसा निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसे समय में हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक राज्य में रहते हुए महाविकास अघाड़ी से जुड़ी पार्टियों और विपक्षी पार्टी से ये अपेक्षा की जाती है कि वे मुख्यमंत्री के पीछे मजबूती से खड़े रहेंगे। उधर सांसद सुनील मेड़े ने भंडारा जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को संज्ञान में लेते हुए पत्रकार वार्ता किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि लोगों को इस महामारी के दौर में घर पर ही रहना चाहिए ताकि इस महामारी को रोकने में मदद मिल सके। वायरस जो पिछले साल से अभी तक के हम सवारे जीवन का एक भाग बन चुका है, ऐसा कोरोना वायरस दूसरी लहर के साथ खासकर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे उसका सभी तरफ पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे उसका तकलीफ सब हम सबको, सामान्य नागरिकों को, सभी को हम लोग दे रहा है। ऐसे में
हमारे नज़दीक नागपुर शहर में भी इसका प्रादुर्भाव पूरे भारत के पहले 5 शहरों में सबसे ज़्यादा ऐसा शहर नागपुर भी पाया गया और उससे लगे होने की वजह से हमें भी भंडारा जिला में भी इसका प्रादुर्भाव बड़े पैमाने पर हुआ है। पिछले हफ्ते में 6 दिनों में साधारणतः रोज 500 से ज़्यादा मरीज रोज के एक्टिव पाए जा रहे हैं, जो एक आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलने लगा है। बीते कई दिनों से हर रोज कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को भी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में नए केस मिले। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि राज्य में शनिवार को 49,447 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 37,821 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 277 और मरीजों की मौत हो गई है, जिसके कारण अब मृतकों की कुल संख्या 55,656 हो गई है। उधर मुंबई में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुंबई में एक दिन में 9,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,090 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को शहर में 8,832 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं बीते 24 घंटे में 27 लोगों की वायरस की वजह से मौत हो गई। साथ ही पिछले 24 घंटे में 5,322 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। इसी के साथ शहर में अब तक 366,365 मरीज कोरोना को हराने में कामयाब रहे हैं। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही मुंबई में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने कहा है कि कोरोना को मात देने के लिए शुरू वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाया जाएगा। हम मुंबई में प्रतिदिन 1,00,000 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी कर रहे हैं। अभी मुंबई में 59 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू है, जिनकी संख्या बढ़कर जल्द ही 80 कर दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। मुंबई में अब तक 12,60,378 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। चहल ने कहा है कि मुंबई में कोरोना को रोकने के लिए बीएमसी ने एक साल में 41,74,259 लोगों का कोरोना टेस्ट किया है। इसी तरह 53,52,521 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया, जबकि घर घर जाकर 35,00,000 मुंबई करों की 2 बार जांच की जा चुकी है। बिना लक्षण और कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को संशोधित 17 दिन का होम क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होगा। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलढाणा में जिला प्रशासन की रोक के बावजूद भी हजारों श्रद्धालु सैलानी दरगाह क्षेत्र में एकत्रित हुए। सैलानी यात्रा के कार्यक्रम के लिए केवल 10 लोगों को अनुमति दी गई थी, फिर भी लोगों ने रात में बहुत भीड़ कर दी, जिस कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने बताया कि आज भी जिले में 6,000 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। भारी भीड़ आप खुद देखिए दरगाह क्षेत्र में। हालांकि इतनी अनुमति नहीं है, बावजूद इसके इतनी संख्या में लोग पहुंच गए, जिससे कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बीएमसी के मुताबिक 3 अप्रैल को शाम 6 बजे तक शहर में 9,090 नए केस सामने आए हैं। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई के कई इलाकों में कोरोना महामारी का डर लोगों के जहन में नहीं देखा जा रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके बावजूद यहां दुकानदार बिना मास्क खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। ये नजारा है मुंबई के कंदीवाली पूर्व क्रांति नगर
भांजी मार्केट का, जहां रोजाना लाखों की संख्या में रोज लोग यहां रोजमर्रा की जरूरतों के सामान खरीदने आते हैं। तो कांदीवाली का ये मामला है जहां पर देखिए लोगों के चेहरे पे जरा सा भी भय नहीं है कोरोना का। इस मार्केट में ये आते हैं लेकिन कोरोना इस कदर बढ़ रहा है, इस चीज का जरा भी खौफ नहीं। महाराष्ट्र में सरकार द्वारा कोरोना को रोकने के लिए नियम लगाए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने रायगढ़ जिले के महाड तालुका में 3 होटलों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई किए गए होटलों में समृद्धि होटल, बिग बाइट महाड और पीजी रेजिडेंसी शामिल है। होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना के प्रसार को देखते हुए ये कार्रवाई हुई है। दरअसल इसमें कोई भी नियमों का पालन नहीं हो रहा था, तो वहीं कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हालांकि यहां पर कोई भी पालन नहीं होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर को देखते हुए मुंबई से लोग अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर काफी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जैन अब्बास ने। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के फैसले के बाद आज आप देख सकते हैं एलटीटी में कितनी भीड़ है, कितने लोग यहाँ जमा हुए हैं गांव जाने के लिए। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन का कोई घोषणा नहीं की है, फिर भी लोगों के दिल में एक डर जरूर है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है आने वाले 2 दिनों में वो कड़ा निर्णय लेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद आइए, उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका नाम बताइएगा। मेरा शेख आजाद। सर आप कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं सर। मतलब किस लिए जा रहे हैं? मुंबई में तो अभी आपका अभी लॉकडाउन नहीं लगी है, फिर भी आज कल कहा है सीएमजी ने, तो भी अभी पूरा कड़ाइयत हो रहा है, थोड़ा हल्का कड़ाइयत है कि अभी मास्क भी रोड पर जैसे अति दिक्कत होता है, जैसे कभी मास्क उस लगाने में भी दिक्कत होता है। मास्क जैसे थोड़ा खुला रखो तो बोलता है कि नहीं खुला नहीं पूरा मोड़ा रखो, ज़्यादा देख रहे तो फोटो खींचते हैं तो फाइन लगेगा 500 रुपया, 200 ऐसे होता है सर। तो जहाँ देखा जाता है मुंबई में लोग कमाने आते हैं, तो अभी आप फिर गांव जाएंगे फिर मुंबई आएंगे तो भाड़े में जाइए ना। अभी 1000 रुपया भाड़ा है, 700 रुपया भाड़ा है, कोई के 445 रुपये लग रहे भाड़ा सेट। जब इसके पहले लॉकडाउन लगा था उसके बाद में आप वापस आए दोबारा, तो किस उम्मीद से आए थे? मैं कमाने के लिए आए थे सर। तो फिर अभी आप दोबारा जा रहे हैं? दोबारा जा रहे हैं तो सोचते कि अब क्या मंदा हो रहा है बाजार, जिससे कि पब्लिक लोग गाँव जा रहे हैं तो हम भी सोचते चला जाते हैं। तो ये भाई सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। अनवार आलम। क्या काम करते थे आप, कहाँ रहते थे? वो शंकर मंदिर के पास रहते थे पहले लॉकडाउन का पहले, तो लॉकडाउन लग गया इसलिए घर चले गए, कुछ पैसा नहीं कमा पाए, सोचे कि फिर जाके देखते हैं क्या होता है, फिर आए फिर ऐसा हो रहा है, काम भी अच्छा से नहीं चल रहा है, पेमेंट भी अच्छा से नहीं हो रहा है। तो क्या काम क्या करते थे? वो फ्लाईओवर का काम करते थे एलएनटी लाइन में। तो अभी घर जाने का निर्णय आपने क्यों लिया, कैसे लिया? डर लग रहा है सब देख के, ये फिर अगली तरह का जैसा लॉकडाउन लग जाएगा ना क्या, इसलिए। उधर अभिनेता अक्षय कुमार को कोरोना हो गया। अभिनेता की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अक्षय कुमार ने बताया है कि वो अपने घर पर ही क्वारंटीन में है और लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में है। अक्षय कुमार ने बयान जारी कर कहा, आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि आज सुबह मेरी COVID-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, मैं घर पर क्वारंटीन हूं और सभी जरूरी मेडिकल केयर ले रहा हूं। तो ठाणे में दोपहिया वाहन से MNS पदाधिकारी जमील शेख की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी को ठाणे के रबोड़ी के NCP पार्टी के नगर सेवक नजीब मुल्ला ने जमील की हत्या के लिए यहां पर आरोपी को 2 लाख रुपए का भुगतान किया था। आरोपी को लखनऊ के स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया था। उधर यवतमाल के पंडर कवड़ा मार्ग पर स्थित
मलानी बाग के एक गोदाम में आग लग गई। आग से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग से कई व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की सूचना मिलते ही नगर परिषद को सूचना दे दी गई। वहीं दूसरी ओर आग के कारण और नुकसान ना हो इसलिए व्यापारी सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए भागदौड़ करते दिखाई दिए। उधर चंद्रपुर से सटे वरोरा में 19 मार्च को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों से सोने के आभूषण सहित 1,07,34,000 का सामान भी जब्त किया है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है और क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही थी। जानकारी के बाद पहले तो आरोपियों को यहाँ पर सपोर्ट करने वाले महाराष्ट्र के 3 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा, जिसमें चंद्रपुर के 2 निवासी और 1 गोंदिया जिले का निवासी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।